हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज और हर हर महादेव। करते दिन की शुरुआत। अभी मैं जस्ट उठा था, 20-25 मिनट हुई होगी। तो अभी मेरे को जाना है जिम, तो उसी की करते हैं तैयारी। और फिर भाई अब देखता हूँ मैं व्लॉग धीरे धीरे एक एक दो दो दिन के अंदर डालता रहूँगा। तो करते हैं दिन की शुरुआत। जो भी दिन में करता रहूँगा भाई आपके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि रहता तो यार बिजी शेड्यूल ही है, मतलब बाहर नहीं जाने का मौका मिलता ना, तो इसलिए। तो कोई नहीं, जैसा भी रहेगा। चलो अभी करते हैं दिन जिम की तैयारी और फिर चलते हैं जिम। आज मेरे को है ना, आज मैं 2 दिन के बाद जो है जिम जा रहा हूँ। तो यार मेरे को देखता हूँ चेस्ट स्टार्ट करनी है, देखता हूँ चेस्ट और बैक दोनों मार के आऊँ या फिर खाली चेस्ट मार के आऊँ, देखते हैं, वो डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल जो है जिम जाने के लिए होते हैं रेडी, और पैदल ही जाऊंगा, बाइक पे नहीं जाऊंगा। बाइक पे मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, और गाड़ी है ही नहीं, पापा ऑफिस लेके गए। हेलो गाइस, केला खा लो। केला खा रहा हूँ मैं अकेला। वाह 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 वाह, ओ पांडे खाएगा। पांडे में पांडे ने देख भाई सांस मार दिया, पांडे ने मेरा केला गिर गया यार। केला गिरवा दिया यार। जाई भी एक और लेके आई थी। भाई वीडियो के चक्कर में इसने बोला ले आ रही हूँ ना, कह दिया जाने अपना लिया ने। भाई दुनिया भाई कमाल है। या डाल दूं? हाँ इसमें डाल दे मिट्टी में। एक केला वेस्ट करा दिया आप लोगों ने, सांस मार दिया। केला गिर गया। मैंने केला ले लिया तुम्हें, मैंने गाइस केला खा लो। इतने केला नीचे उठा के खाता कोई नहीं, एक और केला ले आएंगे भाई और खा लेंगे। तो चलो भाई अभी जिम मिलते हैं, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। 8:10 का टाइम हो चुका है, वही मिलते हैं, करते वर्कआउट। आओ, हो गया दूध मेरा। हाँ, हो गया, पी ले, लगा हूँ। भाई दूध पी रहा हूँ मैं, आज सुबह ना पिया। और ये देखो चाय, चाय के चिड़ू। ओ लाइट, चल ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ही हो रहा है। लाइट गई, मैं दूध कैसे गर्म होगा अब। मम्मी कहाँ है? इन्वर्टर की लाइट बंद कर दो। देख लो भाई मारा घर देख लियो रे। चारों तरफ तो ये नीचे बैठक बैठ गई है। कौन ये? इसकी पिटी कर है ना। देख ओए ओए ओए, वीडियो फिर दे, सबको बताऊंगा कि तू सबकी वो करती है ना। भाई अभी है ना शाम के बज हुए हैं, 6:15 बज चुके हैं, और यार मुझे है ना अर्जेंट में निकलना पड़ा यार। एक्चुअली है क्या कि भाई रवि आया हुआ था ना, मेरा फ्रेंड जो जिसकी शादी थी, आप सब जानते होंगे, मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। तो यार उसका ना एक बैग था, तो वो हम 3 फेब को जो है ना चौपट में डाल के आए थे ठीक होने के लिए। उसका लॉक खराब हो गया था, तो उसका चेंज कराने के लिए डाल के आए थे। तो यार उसके बाद है ना वो बोला कि तू ले जियो, और मैं भूल गया भाई, पोपट हो गया, पोपट एक नंबर का। तो अभी जो है ना मैं वही लेने जा रहा हूँ। आज उसकी मैसेज आया था उसका, रवि का, तो कह रहा था कि भाई बैग लेके आया या नहीं लेके आया। फिर मैंने उसने एक अपना नंबर दिया था दुकान वाले ने, तो मैं रवि के पास ही था, वो उसके पास वो नंबर भी नहीं मिला। तो अब मैं जो है डायरेक्ट ही जा रहा हूँ, अगर हुआ होगा ठीक तो लेके आ जाऊंगा, नहीं हुआ होगा ठीक तो भाई फिर मतलब कंफर्म तो हो जाएगा कि भाई कभी वो भी भूल गए हो, क्योंकि उनकी भी कॉल नहीं आई। हम अपना भी नंबर दे के आए थे, मैं अपना दे के आया था कि भाई जब ठीक हो जाए ना तो कॉल कर देना, लेकिन उनकी कॉल नहीं आई। तो चलो अब मिलते हैं नजफगढ़ की मार्केट में। पहुंच गया हूँ शॉप पे, और उसका लॉक भी ठीक हो गया है, लेकिन मैं यार बैग भूल गया था कि कौन सा है। 777 ठीक है, ठीक है, डिजिट ये बार बार में चेंज ना करो। कितने का लगा ये? 1200 का। 1200 ये इसका पूरा नाम।
तो भाई हो गया बैग ठीक रवि का, और लेके निकलते हैं। 1200 लगे हैं, एक मिनट भाई। नहीं कोई नहीं, 777 पे रहने दो, अब निकलते गाड़ी में मिलते हैं। भाई अभी है ना अगला दिन है, और सुबह सुबह का टाइम है 7:45 का, और मैं ना अभी वॉशिंग के लिए गाड़ी रख के खड़ी करके आया हूँ, रख के आया हूँ। तो भाई गाड़ी खड़ी करके आए वॉशिंग के लिए, तो उसमें अभी टाइम लगेगा सब। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ी देर मंदिर में जाते हैं। और भाई धुंध पड़ी हुई है हल्की हल्की, क्योंकि खेतों का यहाँ माहौल है ना, तो पानी वानी की वजह से या उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कोहरा है। देखो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो भाई यहाँ पे, ये देखो खेत है ना, तो यहाँ पानी दे रखा होगा शायद, इसलिए जो है देखो भाई कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा खेतों के सामने देखो। और जो ये मीठी मीठी ठंड होती है ना, और कोहरे की जो खुशबू आती है भाई साहब, कभी मन भो लेती है एक नंबर का। तो फोन मैंने इसलिए ऑन कर लिया यार रास्ता काटने के लिए, कि रास्ता कटता रहेगा, आप लोगों से बात होती रहेगी, मेरा व्लॉग बनता रहेगा, क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल पाता मेरे को व्लॉगिंग करने का। तो कर रहा हूँ भाई कोशिश, आज काफ़ी दिनों के बाद जो आपको मेरा व्लॉग मिला होगा, 2 या 3 दिन की क्लिप इकट्ठी की, छोटी छोटी इकट्ठी करके जो है वो मैंने कर दिया भाई मर्ज। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, कल शिवरात्रि थी, और भाई अभी कुछ नहीं बात नहीं, तो अभी जाते हैं मंदिर, मत्था टेक के आते हैं, तब तक गाड़ी वॉश हो जाएगी, फिर आपसे बाद में ही मिलते हैं, ठीक है।